हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं अजय। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, जो कि पेज नंबर 95 आपकी एनसीईआरटी की बुक जो है उसका पेज नंबर 95 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि डिफ्यूजन क्या होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इनसफिशियंट मीन्स ना काफी, जो काफी नहीं है उसको बोलेंगे इनसफिशियंट। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूं आपको डिफ्यूजन का। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसमें गैस के पार्टिकल्स, गैस भरी हुई है। अगर मैं इस बॉक्स को यहां से तोड़ दूं तो गैस यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों निकल रही है? क्योंकि इस बॉक्स के अंदर गैस ज्यादा है और बाहर कम है। तो अंदर ज्यादा है मतलब जहां पे चीज ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हाई कंसेंट्रेशन। तो यहां पे कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और यहां पे कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना। तो ये हो गया डिफ्यूजन। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात भी कर लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखिए, मल्टी मींस ज्यादा, सेलुलर मींस सेल, ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो ज्यादा सेल्स से बने हैं। हम ही इंसान है तो इंसान, आपको पता है कि इंसान काफी सारे सेल से मिलकर बना होता है। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ये इंसान नहीं बनाया मैंने, बस एग्जाम्पल देने के लिए। तो क्वेश्चन ये बना कि डिफ्यूजन जो है वो ना काफी है, वो काफी नहीं है टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसानों में, तो डिफ्यूजन जो है वो काफी नहीं है ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए। क्यों? तो इसका आंसर हमें देना है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, ये रहा कि जो सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। किसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते? एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। क्यों नहीं होते? आप खुद ही सोचिए। मान लेते हैं कि ये एक इंसान है और ये सेल्स से बना, तो ये मैं गोल गोल क्या बना रहा हूं? सेल्स बना रहा हूं। तो ये मैंने सेल्स बना दिए। जो अंदर वाले सेल्स है, देखिए ये हमारा एनवायरनमेंट है, यहां पे ऑक्सीजन है, तो बाहर वाले सेल्स को तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन जो अंदर वाले सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो ये जो बाहर ऑक्सीजन थी, ये यहां जो बाहर सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी लेकिन अंदर वाले तक नहीं पहुंचेगी। तो अंदर वाले सेल्स तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो सेल्स मरना शुरू हो जाएंगे। पहुंच तो जाएगी लेकिन बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं तो ये था एक, मान लीजिए कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। तो इसी चीज को मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं अच्छे से आपको। और ये सेल्स जो है वो अंदर है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर है, यहां पे ऑक्सीजन है, ये रही ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है इन तक तो पहुंच जाएगी जो यहां पे बाहर की तरफ है, लेकिन जो अंदर की तरफ सेल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो स्किन होती है ना, उस स्किन के सेल्स बहुत पास पास हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा तो है नहीं कि पानी अगर हम हाथ में रखें तो अपने आप अंदर चला जाता है, क्योंकि स्किन के सेल्स बहुत पास पास हैं। तो डिफ्यूजन से जाएगी ऑक्सीजन लेकिन बहुत समय लगेगा, उतना समय नहीं है, उतने में तो हमारे ये सेल्स जो हैं वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा कहां से मिलती है? खाने से मिलती है, और खाने से ऊर्जा तभी मिलेगी जब
ऑक्सीजन मिल पाएगी। आगे हम पढ़ेंगे या चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को पचाने के लिए, उसमें से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी खाने से, एनर्जी नहीं निकलेगी, एनर्जी नहीं निकलेगी तो अंदर वाले सेल्स मर जाएंगे और धीरे धीरे फिर हमारा जो जीव है वो मरना शुरू हो जाएगा। तो आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए एक एक लाइन को मैं समझाता हूं आपको ताकि आंसर आपको याद ना करना पड़े, कि जो सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते एनवायरमेंट के, तो ऑक्सीजन जो है सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो काफी स्लो होती है। तो इस तरह से अकेली सिंपल डिफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन की जो जरूरत है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो पूरा नहीं कर सकती। तो आंसर को एक तरीके से समझिए ताकि आप उसको एक बार समझ लेना तो अपने आप लिख पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। इसमें कहा गया है क्या क्राइटेरिया हम यूज करते हैं क्या डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज अलाइव जिंदा है या नहीं है। तो हमें यह देखना है कोई चीज जिंदा है या जिंदा नहीं है। इसका आंसर ना आपको अलग अलग बुक में या अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके का मिलेगा, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज जाते हैं और कुछ लोग गलत आंसर भी लिखते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपसे कोई क्राइटेरिया पूछे तो आप कहेंगे भाई सांस लेता होगा, ठीक है सांस लेता है लिविंग चीज वो ठीक है, या कोई कहता है कि मूव करेगा चीज, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते। तो ये ब्रीथिंग या फिर सांस लेना या ग्रोथ करना ये सब ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है। क्योंकि ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, पौधे हमें या हम ही लगा लीजिए, हम कौन सा रोज बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, यहां तक कि कुछ नॉन लिविंग चीजें भी बढ़ती हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए पहाड़ इतना बड़ा था, होता क्या है धीरे धीरे उस पर आसपास से मिट्टी इकट्ठा होती रहती है, तो ऐसे क्या होता है पहाड़ बड़ा होता रहता है। तो पहाड़ भी तो ग्रोथ कर रहा है ना, तो क्या उसको आप लिविंग बोलेंगे, उसको आप अलाइव बोलेंगे, उसको जिंदा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ करना या सांस सांस की अगर हम बात करें तो कई ऐसे भी चीजें हैं जो एनारोबिक होती हैं, जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेती हैं, तो वो सांस तो लेती नहीं है, तो वो भी तो लिविंग में आते हैं ना। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक होते हैं, जो बिना ऑक्सीजन में ही जिंदा रहते हैं, तो वो तो सांस नहीं ले रहे, तो उसको लिविंग बोलेंगे ना, उसको नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते। इसीलिए सांस लेना या ग्रोथ करना ठीक है कि वो लिविंग की खासियत है, लेकिन सिर्फ उसी को देखकर लिविंग कहना गलत होगा। तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन होना, न्यूट्रिशन होना, एक्सक्रीशन होना, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, ये अगर प्रोसेसेस हो रही हैं, ये क्राइटेरिया देखकर हम कह सकते हैं कि वो चीज अलाइव है, जिंदा है। इसके अलावा जो अलाइव होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उनमें एक और खासियत देखने को मिलती है, मोलिकुलर मूवमेंट्स। मोलिकुलर मूवमेंट्स ये भी आप कह सकते हैं कि मोलिकुलर मूवमेंट्स भी लिविंग होने के लिए सबसे जरूरी है। चाहे कोई भी लिविंग होगा उसके अंदर मोलिकुलर मूवमेंट्स जरूर हो रही होंगी, तो ये मोलिकुलर मूवमेंट्स को ही रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन कहा जाता है। अपने ब्रीथिंग और ग्रोथ इसमें नहीं लिखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, जल्द से जल्द मैं अगले दो क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका रिप्लाई बहुत जल्द किया जाएगा। कोई भी डाउट हो आप इसको एक लाइव क्लास की तरह मानकर चल सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।